थाना सिविल लाइन अंतर्गत आशियाना कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे राम अवतार पर कुछ दबंग युवक पहले से ही घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने मौका देखकर मारपीट शुरू कर दी। झगड़ा होता देख जब उधर से गुजर रहे युवक ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो उसे भी दबंगों द्वारा लाठी डंडों एवं धारदार हथियार से पीटा गया। दोनों घायल हालत में सिविल लाइन थाने पहुंचे, जहां उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पूछने पर घायलों ने अपना नाम रोहित वाल्मीकि और राम अवतार बताया। रोहित वाल्मीकि के मुताबिक राम अवतार को कुछ दबंग युवक मारपीट कर रहे थे, उसको बचाने के प्रयास में दबंगों ने उसे भी बुरी तरह पीट पीट कर घायल कर दिया। पूछने पर घायल राम अवतार ने बताया कि नवजीवन, उसका भाई संजीव बेटा व दो अन्य लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल दोनों का मेडिकल परीक्षण पुलिस द्वारा करवा लिया गया है। पुलिस ने मिली तहरीर के आधार पर और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मेरा नाम रोहित वाल्मीकि है। रोहित, क्या घटना हुई आज आपके साथ? असल में नगर निगम ने भार्गव फैसिलिटी को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य दे रखा है मुरादाबाद के अंदर, और जोन नंबर 6 में मेरे मित्र हैं रामोतर राणा जी, सुपरवाइजर का काम करते हैं। मैं उधर से गुजर रहा था तो देखा मैंने जगजीवन नाम के व्यक्ति और उनके साथ में 5-6 लोग उन पर हमला कर रहे हैं। मैंने बचाने की कोशिश करी, वहाँ के लोगों को मैंने चिल्ला के पाया, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला करा। मेरी जेब में 23,300 रुपये थे, वो भी मेरी छीन निकाल ली है उन लोगों ने, जिसमें से 100 का नोट मेरे पे फटा हुआ है और 22,000 रुपये वो लोग छीन के ले चुके हैं। मेरे भी सिर में चोट आई है, पैर में चोट आई है, हाथ में चोट आई है, और काफ़ी कहने के बाद और शोर मचाने के बाद भी वो लोग नहीं माने। डंडे लाठी पावड़ियों से लगातार हमला करते रहे और रामोतार जी से तो ये वार्निंग देखे गए कि अगर दोबारा यहाँ दिखे तो आपको जान से मार देंगे। अच्छा, कितने लोग थे वो? जगजीवन, उसका भाई, उसका बेटा, दो भाई हैं वो, मतलब 3-4-5 लोग करीब थे वो, और एक महिला भी थी उनके साथ में, जो लगातार कह रही थी मैं आपको रेप केस में कपड़े फाड़ दूंगी, ये कर लूँगी, वो कर दूंगी, और जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लगातार 5 लोग इनको मार रहे हैं। अच्छा, जो घायल हैं वो कितने लोग हैं? घायल 2 लोग हैं, मैं हूँ रावत औराड़ा जी। विवाद किस बात को लेकर हुआ? विवाद नगर निगम ने भार्गव को एक काम दे रखा है डोर टू कूड़ा कलेक्शन के लिए, मुर्दा स्मार्ट सिटी में आ चुका है, इधर उधर कूड़ा ना डालिए, तो ये कूड़ा का जो है नगर निगम से टाइप कर रखा भार्गव ने, तो कूड़ा घरों से वहाँ ले, अगर कोई प्राइवेट कूड़ा लेता भी है तो वो कूड़ा जो है पड़ाव पे ना डाले। राम अवतार जी जो है वो डोर टू डोर कंपनी में काम करते हैं? जी, काम करते हैं, वो सुपरवाइजर। अच्छा, जो जिन लोगों ने मारपीट की वो लोग? वो प्राइवेट लोग हैं, दबंग लोग हैं, वहाँ के लोग लगातार कह रहे हैं कि वो बदतमीजी करता, हर कॉलोनी वाला कहता है वो बदतमीजी करता सबसे। राम अवतार जी, क्या हुआ आपके? मैं भार्गव फैसिलिटी कंपनी में काम करता हूँ, जो नगर निगम है, तो हम एक वजह से काम कर रहे हैं और एक प्राइवेट आदमी लगातार विरोध कर रहा है। ठीक है, हमने कहा हमें नगर निगम ने पावर ऑर्डर दी है और वो जो नहीं मानना है कि मैं नगर निगम नहीं मानता हूँ, किसी भी मानता हूँ। अब हमने कहा भाई अब एक महीना हो गया, अब हम कलेक्शन करेंगे। अब वो पी प्लानिंग के हिसाब से, पूरी प्लानिंग के हिसाब से आज आया और उसने जो हमारे आदमी जो कलेक्शन करने गए घर से कूड़े के, और फिर जो उसने हमला कर दिया। डंडे रोड हैं, 8-10 लोग थे, सरफड़िया हाथ टूट गया। नाम क्या क्या है उनके? जगजीवन है, संजीव है और उसकी वाइफ है, उसका लड़का है। क्या इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराएंगे? अभी कराएंगे थाना के सिविल लाइन में, और जान से मारे धमकी देख के आकर तेरे गोली रूम मारनी है। कितने लोग थे लगभग? लोग थे 4-5 लोग थे।